ट्वेल्थ, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ। आपको जो जो नहीं पढ़ना तो मैंने सिलेबस में बता दिया था। टुडे टॉपिक इज द इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड मीन्स C2H5Br। इसका क्या पढ़ोगे आप? प्रिपरेशन मेथड पढ़ोगे। इथाइल ब्रोमाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? यानी जनरल मेथड होता है जो यूज करते हैं प्रिपरेशन मेथड में। हम क्या यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर आपने यूज किया इथाइल ब्रोमाइड का यूज यहाँ पर किया C2 इथेन का यूज करके, और इस मेथड का किया तो फ्रॉम इथेन, इथेन से करोगे। इथाइल ब्रोमाइड प्रिपेयर बाय द रिएक्टिंग इथेन विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमीन के प्रेजेंस सनलाइट में कराओगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा इथाइल ब्रोमाइड प्लस HBr। और इथाइलिन से क्या इथाइलिन से क्या होगा, एडिशन कराओगे HBr का इथाइलिन पर तो आपको इथाइल ब्रोमाइड देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr। तो यहाँ से आपका मिलेगा CH3CH2Br। इस मेथड का यूज़ करोगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इथाइल ब्रोमाइड का। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड का? रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल का KBr के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए KBr कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का करा रहे हो तो HBr का फॉर्मेशन हो रहा, पोटेशियम हाइपोसल्फेट का हो रहा है। तो यहाँ पे इथेनॉल के साथ HBr का कराओगे तो इथाइल ब्रोमाइड होगा प्लस वाटर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्ट करता है ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो प्रीमेंट करता है हाइड्रोलिसिस को इथाइल ब्रोमाइड से, जो फॉर्मेशन करता है इथाइल अल्कोहल को। इज नॉट दिस प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर 60 ml का कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 80 ml लिया आपने इथाइल अल्कोहल, अप्रोप्रिएट 90 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम ब्रोमाइड लिया। इसको क्या किया आपने, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रखा, अपरेटस सेट किए जैसे फिगर में सेट किया गया। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या किया, उसको हीट कर रहे हो सैंड बाथ में रखकर स्लोली, तो वेपर क्या होगा इथाइल ब्रोमाइड का इवॉल्व होगा, जो क्या होगा कलेक्टेड होंगे किसमें, कंटेनिंग में कोल्ड वाटर में। तो प्यूरिफिकेशन करते हैं वेपर को इथाइल ब्रोमाइड से जो कंडेंसेंस किया था, फॉर्मिंग करते हैं हैवी ऑयली लेयर्स में, तो इसमें क्या होता है बिलो वाटर के नीचे होता है, तो इसको सेपरेट करते हो वाटर से विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल से। फिर इसको वाश करते हैं कस से HCl कंसनट्रेटेड HCl के साथ वाटर को। फाइनली क्या होता है 5% जो होता है सोडियम हाइपोकार्बोनेट होता है इसमें इसमें सोल्यूशन में। फिर इसको अगेन वाश करते हैं वाटर के साथ, देन ड्राई करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो प्योर इथाइल ब्रोमाइड जो होता है ऑब्टेन होता है डिस्टिल के साथ। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का होता है, ये रिएक्शंस कराते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस में। तो इस अपरेटस का यूज करके मेथड का प्रिपेयर करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 100 ml होता है इथेनॉल जो 20 ग्राम का होता है रेड फास्फोरस, उसको लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो अपरेटस को सेट करते हैं। तो 45 ml ब्रोमीन जो होगा वो ड्रॉपिंग फनल से लोगे, ब्रोमीन को ऐड कराओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन में जो कि ऑलरेडी फॉर्म होगा फ्लास्क में, रिएक्शन करेगा एक्सोथर्मिक फ्लास्क कोल्ड में। तो यहाँ पर आप देखिए आपका थर्ड गया होगा फ्लास्क को, फिर आप क्या करोगे कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ दोगे, फिर उसको स्लोली सैंड बॉक्स से हीट करोगे तो वेपर जो होगा इथाइल ब्रोमाइड का कलेक्टेड हो जाएगा फ्लास्क के नीचे कोल्ड वाटर में। इथाइल ब्रोमाइड ऑब्टेन हो जाएगा आपका जब सोडियम बाइकार्बोनेट को साथ ट्रीट कराओगे, तो इसमें जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो रिमूव करोगे, वाशिंग करोगे वाटर को, रिमूव करोगे इम्प्योरिटीज़ को अल्कोहल के साथ एनल्केली के साथ, फाइनली वाश करोगे वाटर को और देन ड्राई करोगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को। प्योर इथाइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में। यहाँ पर देखिए फास्फोरस लिया ब्रोमीन लिया तो यहाँ पर क्या हुआ PBr3, फास्फोरस लिया ब्रोमाइड लिया तो PBr5, इथेनॉल लिया BrT दिया तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड का फास्फोरिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे, इथाइल ब्रोमाइड जो होता है कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, हैवी लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी जो होती है 38 डिग्री सेल्सियस होती है, सोलोबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसोलोबल होता है सॉल्ट वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड करते हैं किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ मेटल्स रिडक्शन होता है, अदर रिएक्शंस भी होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में एक्वस अल्कली सॉल्यूशन जो होते हैं इथाइल ब्रोमाइड वो क्या होते हैं हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इथाइल ब्रोमाइड में। अब इसको बॉइलिंग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड को, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और सोडियम ब्रोमाइड होगा। रिएक्शन विद मेटल अल्कोक्साइड, मेटल ऑक्साइड से क्या कराओगे इसका इथाइल ब्रोमाइड का, तो इसको हीट करोगे सोडियम इथोक्साइड के साथ, फॉर्मेशन होगा डाइथाइल ईथर का, जिसको कहते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर देखिए इथाइल ब्रोमाइड लिया आपने, सोडियम इथोक्साइड लिया तो यहाँ पर डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ, ईथर जो फॉर्म करेगा ड्राई AG2O का।
तो इथाइल ब्रोमाइड का Ag2O के साथ किया तो यहाँ पर फॉर्मेशन आपका हुआ डाई इथाइल ईथर का। ठीक, रिएक्शन भी साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा जो C2H5Br प्लस AgCN अल्कोहल के उसमें प्रेजेंस में, तो C2H5NC प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक अमोनियम के साथ जिसको कहते हैं हार्मन अमोनिसिस, इसमें क्या होगा 1°, 2nd°, 3rd° अमाइंस होगा, टेट्रा इथाइलिन अमोनियम ब्रोमाइड ही ऑप्टेन होगा। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड अमोनियम के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे इथाइल अमीन्स का फॉर्मेशन होगा 1st°, 2nd कराओगे 2nd°, 3rd में टर्शियरी और मिडियन टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन क्या होता है, अल्कोक्सी पोटेशियम नाइट्रेट जो होते हैं या अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं इथाइल नाइट्राइड जो होते हैं नाइट्रोइथेन होते हैं जो फॉर्म करते हैं रेस्पेक्टिवली। C2H5Br जो होते हैं जब इसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ करोगे इथेनॉल में तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोइथेन का होगा। अगेन इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराओगे पोटेशियम नाइट्रेट का इथेनॉल के साथ इथाइल नाइट्राइल का नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा KBr का। अब रिएक्शन कर रहे हो अल्कोहलिक पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, यहाँ पर क्या होगा थायल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा जो कि थायल ब्रोमाइड होगा पोटेशियम अल्कोहल होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर थायोसाइनाइड का सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड का होगा और प्लस यहाँ पर KBr। अब क्या कर रहे हो आप, इसे पोटेशियम सल्फाइड जो कि आप डाइथाइल थाई ईथर देगा तो डाइथाइल थाई ईथर का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन विथ किसके साथ करा रहे हो, मर्केप्टाइड्स के साथ करा रहे हो। मर्केप्टाइड्स के साथ सोडियम जब करवाते हो तो आपका क्या होता है डाइथाइल थाई ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन सोडियम एसिटिलाइड के साथ करा रहे हो तो यहाँ ब्यूटाइन प्लस वन का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम एसिटिलाइड का ब्यूटाइन वन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा C2H5C(CH) प्लस सोडियम बी आर रिएक्शन विथ सिल्वर के साथ कराओगे सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो होगा इथाइल मैट्स को रिएक्ट करेगा सिल्वर एसीटेट के साथ। सिल्वर एसीटेट के साथ जो करेगा C2H5Br तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, रिएक्शन कराओगे सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यहाँ पर आयोडाइड जो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन जब पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ कराओगे तो आपका क्या होगा पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ हीट करने पर ब्रोमोइथेन को तो क्या फॉर्मेशन होगा इथाइल थायोसाइनाइड का। रिएक्शन जब करोगे सोडियम एसीटेट के साथ तो क्या होगा यहाँ भी इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, और सोडियम नाइट्राइड के साथ करोगे तो इथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा, और सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम इथाइल सल्फोनेट का होगा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो इथाइल ब्रोमाइड को हीट करते हो जब अल्कोहलिक KOH साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइलिन ऑब्टेन होता है, यहाँ पर देख रहे इथाइलिन। रिएक्शन विथ मेटल के साथ कराओगे मैग्नीशियम के साथ, यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिगनाइट्रेजन का फॉर्मेशन होता है, और लेड सोडियम एलॉय के साथ कराओगे तो टेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे ऐसे लिथियम के साथ कराओगे फ्रैंकलाइन रिएक्शंस क्या होता है, इसमें आप करते हो प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करते हो जिंक के साथ तो यहाँ पर कंडेंसेशन करते हो अकर होते हैं एनब्यूटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और उस रिएक्शन में क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड होता है जो एनब्यूटेन होता है जब इसको हीट करते हो मेटैलिक सोडियम के साथ तो आपको क्या फॉर्मेशन का एन नंबर ऑफ ब्यूटेन्स। रिएक्शन में क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड जो होते हैं हीट करने पर किसके साथ हाइड्रोजन के साथ निकल के साथ जिंक के साथ तो यहाँ से इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा मेटल एसिड होगा जो कि आपको इथेन देगा। अदर रिएक्शंस आपके क्या आ रहे हैं इसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो कि बेंजीन के साथ करा रहे हो। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ प्रेजेंस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ तो आपको इथाइल बेंजीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप इथाइल बेंजीन का। हैलोजनेशंस में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करते हो ब्रोमीन के साथ तो यहाँ पर हाईली सब्सटीट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है। यूजेस क्या है, सिंथेटिक में करते हैं सेवरल कंपाउंड्स में होते हैं लोकल एंड एनास्थेटिक में होते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में होते हैं इन सब में इसका यूज किया जाता है। नाउ हैलोरेंस क्या है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लास, थैंक यू।